Assalamu alaikum. Welcome dear aspirants, our viewers, subscribers and our dear students. Aaj hum yahan pe apne channel ke tawassul se aap sab ke liye ek naya initiative jo na wo start karne ja rahe hain. Aur jaise aapko yahan pe humne MA English ke related Punjab University, GC, University of Sargodha, University of Gujarat, University of Balochistan, मतलब different universities के syllabus के हवाले से हमने MA English aspirants को पढ़ाया और उनको lectures दिए. आप सबका बहुत अच्छा feedback आया. तो इसी तरह ही हमें इस चीज से encouragement मिली कि हम आगे आपके लिए जब भी PPSC ने जो English lecturer की posts announce की हैं उसके सिलसिले में हम आपके जो है ना वो गोश गुजार ये बात करें कि हम इस सिलसिले में भी अब प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश लेक्चरर फ्रॉम पीपीएससी, मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल के तवस्तु से हम इस चैनल को थोड़ा अब्रॉड करने जा रहे हैं, यानी इसको वसी करने जा रहे हैं. इसका दायरा कर रहे हैं इंग्लिश से बढ़ा के आगे मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट पोस्ट को जो ना वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी इंग्लिश लेक्चरर की आ जाएगी. ठीक है, और फिर उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो वो आ जाएगा. फिर हम एडी आईबी की एफपीएससी के थ्रू आई थी पोस्ट, वो करेंगे. और अभी ये 5 दिसंबर को एफआईए की आई हैं सीटें एडी की और इंस्पेक्टर की. ठीक है, तो वो हम जाना वो इसमें डिस्कस करेंगे. साथ में मजीद भी जो पोस्ट्स आएंगी जॉब्स के रिलेटेड उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. साथ में हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे, जिसमें इंग्लिश लेक्चरर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर, जीके पोर्शन हो गया, एवरीडे साइंस पोर्शन हो गया, फिर आपका इस्लामियात, और फिर आपका पाक अफेयर्स, फिर आपका करंट अफेयर्स, और इस तरह ही कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, और फिर इसके बाद जियोग्राफी. और दूसरे मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वन पेपर एमसीक्यूज में, वो हम सब जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और आपके पास इंशाल्लाह ऑथेंटिक डेटा आएगा. कोशिश रहेगी कि जो हम डेटा बनाएं आपके साथ शेयर करें, उसको पीडीएफ में कर लें या गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू कर लें. तो आप सब ने क्या करना है कि मैं ये अभी सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूं कि हम जो ना इसमें क्या नया इनिशिएटिव जो ना वो लेने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश लेक्चरर को शुरू करेंगे. और मेरी पूरी कोशिश है कि परसों 10 दिसंबर, जो कि जुम्मे का मुबारक दिन है, तो 10 दिसंबर से जो ना वो हम करें इसको शुरू इंग्लिश लेक्चरर को. ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन जो है ना वो हम करेंगे. और इसमें बहुत मेल एंड फीमेल दोनों जो है ना वो इनवाइटेड हैं, और वैसे भी फीमेल्स की सीट्स ज़्यादा हैं. तो हमारे व्हाट्सएप पे जो है ना वो हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलना शुरू हो गया है. आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना है, तो हमारा व्हाट्सएप जो ऑफिशियल है वो उस पर हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लें. ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है ये, तो इस पर आप ऑफिशियल हमें जो ना वो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. हम इंग्लिश लेक्चरर में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम जो भी, क्योंकि पीपीएससी ने देखे सिलेबस नहीं बताया, तो इस वजह से एस्पिरेंट्स जो है ना वो इस चीज़ पे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वो किस चीज़ को करें और किस चीज़ को ना करें. पीपीएससी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 80% जो है ना वो आपका सिलेबस आपके मास्टर यानी एमए की जो क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड होगा.
ठीक है, तो इसलिए हम डेफिनेटली पंजाब में हैं, तो हम सिर्फ पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें हम पीयू, फिर उसके बाद हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी इसके बाद आपकी नमल आ जाती है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जीसी वेमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और इस तरह ये पंजाब लेवल की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके बाद फिर हम आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारी मतलब मेन स्ट्रीम लेवल की जो दूसरे सूबों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी हम इंक्लूड करें उनके सिलेबस को, क्योंकि देखें पीपीएससी इस चीज़ का टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा जल्दी लेने की कोशिश करेगी, मे बी 1.5 से 2 माह के अंदर जो है ना वो आपसे टेस्ट लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे ही ये सीटें अनाउंस हुई हैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों का जो है ना वो तूफान बरपा है, कोई 15,000 फीस ले रहा है, कोई 10,000 फीस ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, और इन लोगों को इतना भी नहीं पता है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई प्रोफेसर अपने आप को बता रहा है, कोई तरह तरह के रिजल्ट जो है ना वो दिखा रहा है, हो सकता है कि वो ठीक भी हो, लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता है कि पेपर कब होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कहूंगा कि भाई 1 माह बाद ही होगा, लेकिन पिछले साल का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि 1.5 से 2 माह के अंदर जो ना वो पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर को कोरोना की दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन ना बनी तो। अच्छा, तो इसलिए टाइम जो ना वो हमारे पास कम होगा, तो हम इस कम टाइम में जो ना वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज हैं उसके साथ साथ हम इंडियन लिटरेचर, ठीक है, उसको भी, फिर इसके बाद हम पाकिस्तानी लिटरेचर को भी, फिर इसके बाद हम ग्रीक, यानी ग्रीक से तो हम शुरू करेंगे ना क्योंकि वहाँ से शुरू होगा, फिर हम हिस्ट्री को करेंगे जो हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर है, और फिर उसके बाद इटालियन, जर्मन, और इस तरह के बढ़ते हुए हम वर्ल्ड लिटरेचर पे जाएंगे। इसके बाद हम इसमें लिंग्विस्टिक को ऐड करेंगे, लिंग्विस्टिक के साथ साथ हम लिटररी टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, डिवाइसेस, मैं जल्दी जल्दी ज़रा कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, फिर लिटररी मूवमेंट्स, ठीक है। तो आप किसी का भी कंटेंट उठा के देख लें, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। फिर बीएस इंग्लिश लेवल का जो हमें कोई सिलेबस मिलेगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, वो देखेंगे, जो मोस्टली तकरीबन एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे आप पंजाब में हैं तो आप देखें कि आपकी जो पीयू, जीसी, सरगोधा, गुजरात, नमल, जीसी यूनिवर्सिटी, इनके सिलेबस तकरीबन सेम है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और बीजीयू पे जाएंगे तो उनका सिलेबस काफ़ी आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, सॉरी वो एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एमसीक्यूज पे रहेगा, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड जो है ना हम तैयारी करेंगे, तो इसलिए इंग्लिश लेक्चरर के रिलेटेड जो भी कंटेंट हमें चाहिए होगा, जो भी रेलिवेंट मटेरियल हमें चाहिए होगा, वो इंशाल्लाह हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट करें, ग्रुप जो है ना वो फीमेल और मेल दोनों का अलग से बना दिया गया है, तो कुछ फीमेल्स और मेल ने कॉन्टेक्ट भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी इस चैनल के तवस्सुल से हम आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, आप अगर आप करना चाह रहे हैं, आपका कोई अजीज़ है वो करना चाह रहा है या चाह रही है, तो उस तक हमारा पैगाम पहुंचा दें, तो बाकी हमारी इस एफर्ट को जो है ना वो शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें और हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसका मीनिंग ये साथ में बेल आइकन जो है ना वो लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट जो है ना वो आप तक मिले। हम कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे लेक्चर जो है ना वो यहाँ पे अपलोड किया जाए और उसी बेस पे जो है ना वो हम अपने ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर जो ग्रुप हमने बनाए हैं उस पर भी अपना लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दिया करेंगे
कोशिश कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना लिया जाए, क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ये होता है कि आपकी लिमिटेड होती है वीडियो, पार्ट में आपको फिर करनी पड़ती है, तो वहाँ टेलीग्राम पे फिर ये होता है कि बंदा इजीली उसको वहाँ पे लगा देता है। तो कई लोगों को फिर यूट्यूब पे मुश्किल होती है, तो वो फिर वहीं पे देख सकते हैं, हर एक का डिफरेंट सोर्स है। तो इसलिए फिर हम इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, आपकी जो जनरल एबिलिटी है उसके रिलेटेड, आपकी एवरीडे साइंस होगी, ये जो मैंने पोर्शन बताया था, ठीक है, ये आपका 20 नंबर का है, जिसमें आपसे सॉरी इसमें उर्दू भी आता है, ठीक है, इसमें उर्दू भी आता है। तो मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से फोकस रखूँगा कि कोई भी इररेलेवेंट चीज़ जो है ना वो ना की जाए, ठीक है, और जितनी भी रेलेवेंट चीज़ है वही सिर्फ उसी पे ही फोकस किया जाए। बाकी साथ साथ फिर हम इंशाल्लाह इन टच रहेंगे और गाइडेंस आपको जो ना वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आपको ये बता दूं ताकि आप लोग जो ना वो इस बारे में इन्फॉर्म्ड हो जाएं, और जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाए वो सभी हमसे कॉन्टेक्ट करें और पूरे कॉन्फिडेंस से करें। कोई इंग्लिश सीखना चाह रहा है, इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, एम इंग्लिश के हवाले से परेशान है, तो हम इंशाल्लाह उनको पूरा जो है ना वो कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ अच्छी बेस्ट ऑथेंटिक और रेलेवेंट तैयारी जो है ना वो करवाई जाएगी, कि वो खुद भी इंशाल्लाह सेटिस्फाई होंगे कि हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।